सो यो व्हाट्सअप गाइस कॉम्बो टीम पहले को आज हम बात करने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, वो भी ग्रैंड मास्टर की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, हीरो की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। पहले को पिछले दिन मैंने ग्रैंड मास्टर पूछ के, तो मुझे पूरी बात का नॉलेज है, पूरी बात का एक्सपीरियंस है। आर यू कॉमेडियन? तो पहले को वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो। पहले को जब भी आप ग्रैंड मास्टर पुश करें, हीरोइक पुश करें, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बातों का ध्यान रखकर आपको खेलना चाहिए, ठीक है? जिसके आपका रैंक माइनस ना हो, ओनली प्लस हो, ठीक है? तो पहले को उस बातों के बारे में आप बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वाली वीडियो का जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आपका बिना टाइम गवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले को बहुत सारे बंदे ग्रैंड मास्टर पुश कम करते हैं, बल्कि हीरोइक पुश ज्यादा करते हैं। तो अगर आप हीरोइक पुश भी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले को फर्स्ट बात कर लेते हैं, फर्स्ट चीज में क्या है, ठीक है? मतलब सबसे पहले आप जब ग्रैंड मास्टर पुश करो, सबसे मेन जरूरी चीज क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? तो फ्री फायर में दो मोड है, सीएस रैंकड है, बीआर रैंकड, ठीक है? तो पहले को आप किस में रैंक पुश कर रहे हो, ठीक है? पहले आपको बता दूं किस में रैंक पुश करना है आपको, ठीक है? तो पहले को आपको बीआर रैंक में रैंक पुश नहीं करना है, ओनली सीएस रैंकड में करना है। अब सीएस रैंकड में क्यों करना है ये आपको बताऊंगा, ठीक है, क्यों करना है उसमें, रुको जरा। अब आपको बीआर रैंकड में क्यों नहीं करना है, ठीक है? बीआर रैंकड में इसलिए नहीं करना है क्योंकि भाई बीआर रैंकड एक क्लासिक मैच होता है, उसके अंदर मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आप एक बार मर गए तो आपको बहुत ज्यादा माइनस लगाएगा, ठीक है? तो पहले को अगर आप सीएस रैंकड में करोगे तो उसमें इतना माइनस नहीं लगेगा, और बीआर करने का चांस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्लास कोड में। लेकिन बीआर रैंकड क्लासिक मैच में मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्लासिक मैच में, ठीक है? तो पहले को मैं आपको बोलूंगा कि आप ओनली सीएस रैंकड में खेलो भाई, ठीक है? बीआर रैंकड में रैंक पुश मत करो, ठीक है? ये बात तो हो गई कि आपको ओनली रैंक पुश करनी है जो बीआर रैंकड में नहीं करनी है, ठीक है? सॉरी, बीआर रैंकड में नहीं करनी है, ओनली सीएस रैंकड में करनी है, क्लास कोड में, ठीक है? तो ये बात हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ठीक है? तो जब भी आप ग्रैंड मास्टर पुश करो तो भाई लोगों मेन चीज है अपनी स्क्वाड बनाओ, ठीक है? स्क्वाड के साथ खेलो, ठीक है? रैंडमली बंदों के साथ मत खेलो, वरना वो आपको नॉकआउट में आपको रिवाइव भी नहीं करेंगे। अपनी स्क्वाड बनाओ, स्क्वाड बंदों के साथ खेलो, चार बंदे बुला लाओ और उनके साथ खेलो, ठीक है? तभी जाकर ग्रैंड मास्टर पुश करना, वरना मत करना है। अगर आप रैंडम के साथ खेलोगे तो वो आपको नॉकआउट में आपको रिवाइव भी नहीं करेंगे, ठीक है? और भाई आप जल्दी मर जाओगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। लेकिन अगर अपने टीममेट होगे तो भाई लोग वो अपने साथ खेलेंगे, आपकी बात मानेंगे और हर जगह पर रस मारेंगे, ठीक है? और आपको नॉकआउट में आप रिवाइव भी कर देंगे, ठीक है? लेकिन वो रैंडम वगैरह आपको रिवाइव नहीं करेंगे, बल्कि आपको गाली देंगे, ठीक है? तो भाई लोगों ये बात ध्यान रखना, अपनी स्क्वाड बनाओ, अपने टीममेट के साथ खेलो, ठीक है? ऐसे रैंडम साथ मत खेलना कभी भी अगर रैंक पुश कर रहे हो। तो ये बात तो होगा कि आपको कभी भी रैंडम साथ नहीं खेलना है, ठीक है? अपनी बनाओ स्क्वाड, स्क्वाड खेल खेलो, ठीक है? तभी आप रैंक पुश कर पाओगे, ग्रैंड मास्टर पुश कर पाओगे, हीरो पुश कर पाओगे। भाई लोगों बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे बंदे ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं, तो भाई लोगों ये वाली गलती बहुत सारे बंदे करते हैं। और वो गलती क्या है कि भाई लोग जब भी आप क्लास कोड मैच खेल रहे हो रैंक उसके लिए, ठीक है? तो भाई लोग सामने से चार बंदे आ रहे हैं, तो भाई उसमें घुसना नहीं आपको, ठीक है? सीधा रस नहीं मारना नहीं है, बिल्कुल आपको आराम से जाकर रस मारना है, आराम से बंदे को मारना है, ठीक है? मतलब सीधा रस मत नहीं मारना, घुसना नहीं है। लोग जब भी आप क्लास कोड मैच खेलो, ठीक है, तो पहले वो बंदे की लोकेशन बता दो कि बंदा कहाँ से आपका रस मार रहा है, ठीक है? और फिर मारो उसको जाकर। आपको ऐसे भाई मतलब सीधा नहीं घुसना है बंदे के अंदर, वरना आप मर सकते हो, ठीक है? और आपका माइनस हो सकता है। तो भाई वो ध्यान रखना होगा कि बंदा कहाँ से आ रहा है, तभी उसको मारना है, ठीक है? ऐसे मतलब जाकर घुसना नहीं बंदों के ऊपर, ठीक है? तो ध्यान से खेलना है, बिल्कुल दिमाग से खेलना है, तब जाकर आप ग्रैंड मास्टर पुश कर पाओगे, ठीक है? जब भी आप बंदों को मारो तो पहले को आप एक काम करना, वो आता है ना फ्लैग मार के जाना, ठीक है? फ्लैग मार के जाओगे तो बंदे को मारना थोड़ा आसान होता है, ठीक है? आप बोलो कि फ्लैग क्या होता है, ठीक है? तो भाई लोग देखो, सामने से जब बंदे आ रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है, सामने से बंदे आ रहे हैं, तो उनके सामने से हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हम उनके मतलब ऐसे लेफ्ट में जाके उसके पीछे जाकर उस पर वार करेंगे, ठीक है? मतलब फायरिंग करेंगे। तो भाई लोग उनको सरप्राइज देना है बंदों को, और पीछे जाकर वापस उनको मारना है, ठीक है? ऐसे करना है, उनके सामने से ब्रश नहीं मारना है। देखो फ्लैंक करके मारना है, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से। तो भाई लोग फ्लैंक करके बंदों को मार सकते हो आराम से, पीछे से जाकर आराम से उनको भर दो, ठीक है? ताकि आप बंदों को इजीली मार सको। और अगर आप दो बंदों को डाउन कर देते हो तो भाई दो बंदों को और कहीं आपके टीममेट मार देंगे। तो ये वाला जो मैंने ट्रिक बताई, इस ट्रिक को अप्लाई कर ला अपने गेम में, ठीक है? तो ये वाली ट्रिक काफी अच्छी है, मैं ट्रिक अप्लाई करता हूँ, इसलिए मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच गया था पिछले सीजन। तो आप ये ट्रिक अप्लाई करना, ठीक है? इसको यूज करना, इसका ट्रिक का फायदा लेना, ठीक है? तो जब भी आप ग्रैंड मास्टर पुश करो तो भाई क्लास कोड के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी पूरी स्क्वाड आपके साथ है, तो पहले अपने स्क्वाड के बंदे को बोलो कि यार तू इधर जा, मतलब अलग अलग तरह से जाओ, सब एक साथ मत घुसो भाई, वरना आपको मार देंगे। बिल्कुल अलग अलग तरह के जाओ, अलग अलग बंदों को नॉकआउट करो, फिर मारो, ठीक है? ऐसे एक साथ नहीं घुसना आपको चारों को एक साथ, ठीक है? तो ऐसा करके आप सामने वाली टीम को इजीली मार सकते हो, ठीक है? ऐसा बोल रहा हूँ मैं, मतलब यार अपने टीममेट को अलग अलग भेजो, ठीक है? एक साथ जाकर मत घुसो यार, और
और वो आता है ना ग्लूवॉल, ठीक है, ग्लूवॉल का फुल यूज करना, ठीक है, आप ग्लूवॉल रखना अपने साथ में ताकि सामने वाले बंदा अगर आपको मारे तो ग्लूवॉल लगा के एटलीस्ट आप थोड़ी देर से बच सको। सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप इजीली ग्रैंड मास्टर कर सकते हो, हीरोइक कर रहे हो हीरोइक कर दोगे या फिर ग्रैंड मास्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा करेक्टर यूज करना है ग्रैंड मास्टर पुश करते समय, कौन सा करेक्टर आपको यूज करना है जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा फायदेमंद हो सकता है। तो आप बोलूंगा कि आपको ओनली स्काइलर को यूज करना है, ओनली स्काइलर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हुकुम को यूज नहीं करना है, हुकुम इतना प्रॉफिट नहीं करता है, लेकिन भाई स्काइलर करेक्टर है ना भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करता है, चीटिंग करता है। तो अगर आप बंदे को डैमेज देती हो और बंदे ने ग्लूवॉल लगाया है, वो बंदा डैमेज है, तो पहले को आप स्काइलर से उस ग्लूवॉल को तोड़ सकते हो, ठीक है, तो ग्लूवॉल को तोड़ के आप इस बंदे को इजीली मार सकते हो, ठीक है। तो पहले को ये वाला करेक्टर काफी ऑसम है स्काइलर, ठीक है, तो आप रैंक कुछ जब भी करो तो आप स्काइलर करेक्टर का यूज करके जाओ ताकि आप आधे मैच में तो ऐसे बुआ कर लोगे, आधे बंदे को ऐसे मार दो। ये बात हो गई कि आपको करेक्टर कौन सा यूज करना है, ठीक है, आपको ओनली स्काइलर करेक्टर ही यूज करना है, ठीक है। Okay. तो अगर आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं है, ठीक है, गेम प्ले अच्छा नहीं है तो आपको गेम प्ले को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो तो पहले अगर आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है तो आप ग्रैंड मास्टर नहीं कर पाओगे, तो अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करो और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो ट्रेनिंग ग्राउंड में और पहले को अच्छा गेम प्ले करो ताकि आप आराम से बंदे को सामने और बंदे को मार सको, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने गेम को इम्प्रूव करो, गेम प्ले को इम्प्रूव करो। ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए हमें 42 मैच खेलने पड़ते हैं, 42 मैच में हमको भुया करना पड़ता है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड, ठीक है। अगर हमने 42 मैच में बुआ खेले हम आराम से ग्रैंड मास्टर पहुंच जाएंगे, तो पहले अगर हम 100 मैच खेलेंगे और 100 मैच में हमने 42 मैच बुआ कर लिया तो भाई इसने कितने हार गए हम, ठीक है। तो पहले वो आपको एक दो मैच आप हारोगे भी, ठीक है, लेकिन आपको फुल कोशिश करना है कि आपको बुआ निकालना है, बुआ, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा प्लस हो और आप इजीली ग्रैंड मास्टर या हीरोइक पुश कर सकते हो। क्रॉस कोड मैच खेलते टाइम आपको गन कॉम्बो में यूएमपी रखनी है, क्लोज रेंज में यूएमपी रखनी है और लॉन्ग रेंज के लिए आप एडब्ल्यूएम रख सकते हो और भाई अगर आप एक हेडशॉट किंग हो तो आप डेजिकल रख सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग इन कॉम्बो रखना है गनों का और शॉर्ट गन भी आप रख सकते हो, ठीक है, डबल बैरल रख सकते हो। आप एक गन्स रखोगे आपको बुआ करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले को इन गन्स का उपयोग करना है और हर एक मैच में बुआ निकालना है, ठीक है। तो एक दो मैच हार गए वो अलग बात है, लेकिन हर एक मैच में बुआ करना ही करना है, समझ गया ना। तो अपनी स्क्वाड बनाओ, स्क्वाड साथ खेलो, ठीक है, रैंडम साथ बिल्कुल मत खेलना, स्क्वाड बनाओ, 4-5 बंदे लाओ, दोस्तों को बुलाओ, फिर साथ में खेलो और एक स्ट्रेटेजी बना के खेलो आराम से ताकि आप बंदों को इजीली मार सको और आराम से बुआ कर सको, ठीक है। तो पहले को इन सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप आराम से बुआ कर लोगे, एक भी मैच को आप नहीं हारोगे और पहले को छोटे छोटे ट्रिक आप वो अगर अप्लाई करोगे तो आप आराम से बुआ करोगे, ठीक है यार, और आराम से ग्रैंड मास्टर आपका लग जाएगा। और ग्रैंड मास्टर करने के लिए ये करना होता है पहले को आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद, ठीक है, आपको खुद अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना पड़ेगा और खुद अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि आप बुआ कर सको। और क्या बताना है, ये बस ये बताना है, ठीक है। और अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे मेरे पास तो बताया मैंने, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देखो बनाया मुझे 4-5 घंटे लगे हैं, तो भाई लोगों आपका फर्ज है कि इस वीडियो को आप लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना मत जाना, ठीक है, तो ये काम कर देना, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर, चले बाय बाय गया।